चार चवन्नी तेल में अरविंद केजरीवाल भी जेल में, सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल की मालिश कर रहा है, अरविंद केजरीवाल संजय सिंह की कर रहा है, संजय सिंह जो है सत्येंद्र जैन की कर रहा है। कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली का मजाक बनाया हुआ था, क्यों? दिल्ली की जनता की कोई वैल्यू नहीं है क्या? इन्होंने हर जगह अपने रिश्तों को शर्मसार किया है, इसीलिए मुझे आप दिल से दुखी है। जो लोग किल से पड़े हैं झाड़ू के कार्यकर्ता, वो पता क्या गाने गाएंगे? तुलक तुलक तुन तुलक तुलक तुन तुलक तुलक तुन तारा, और केजरीवाल तेरे चक्कर में मैंने सब कुछ त्याग दिया है। चलो स्टार्ट कर दो, स्टार्ट कर दो। केजरीवाल केजरीवाल मैंने अनशन रख लिया है। ये कैसा अनशन है दीपक जी, आप तो खा रहे हैं। भूख हड़ताल में हूँ मैं। ये कैसी भूख हड़ताल हुई? केजरीवाल केजरीवाल रो रहे हैं, एक तरफ खा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अनशन पर बैठा हूँ। मैं कुछ भी खाऊंगा नहीं, कुछ नहीं पीऊंगा भाई साहब। केजरीवाल दीपक जी, ये दुख किस चीज का मनाया जाए? दिल्ली का जो बेटा बनता था उसको टपा टप टपा टप टपा टप टपा टप चल रहा है उसके नीचे टन 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 टन। केजरीवाल 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 दीपक जी एक तरफ रो रहे हैं एक तरफ हंस रहे हैं, करना क्या चाहते हैं आप? वो अतिशी का कह रही है, पता है अतिशी कह रही मेरा रास्ता खुल गया, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगी। केजरीवाल कहीं दीप जले कहीं दिल, केजरीवाल माता जी वो दिल्ली का बेटा, मैं अनशन में हूँ, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। अरे नहीं नहीं मत खाना, मत खाना भाई मत खाओ। आओ मीडिया वालों, पीना भी मत। चार लच्छे पराठे तंदूरी बटर रोटी कब आएगी वो? विदा बोलो भाई साहब, पीना भी मत भाई। मुझे लगता है ज्यादा दुखी हैं आप अरविंद केजरीवाल के अंदर जाने से। तीन महीने हम लोग उसी अनशन में थे। हाँ। जब ये लोग कहते थे माता जी बाथरूम के बहाने जाकर जूस पीते थे, माता जी ये लोग अन्ना हजारे, मुझे आज अन्ना हजारे गुरु जी का भी मैसेज आया, पता है क्या? हाँ। कि जो हुआ है वो गलत हुआ, वो ठीक हुआ है। जब शराब इसे पता क्या कहते हैं, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से पाओगे। केजरीवाल भाई गलत ये हुआ कि केजरीवाल दीपक, दिल्ली के दीपक ने जो है वो खाना पीना सब बंद कर दिया, ये बहुत बड़ा गलत, सब छोड़ दिया भाई, सब छोड़ दिया, सब दुनिया को छोड़ के सब कुछ छोड़ दूंगा। हाँ। है ना माता, ग्रेवी वाला बनवाना है या सूखा? वो ग्रेवी वाला। चलो भैया बोलने पे आ जाओ। देखो भाई साहब मैं तो एक ही बात बोलूंगा, हमसे तो ड्रामे होते हैं, पता कैसे? जब हमारा मुख्यमंत्री ड्रामेबाज है, क्या केजरीवाल उर्फ ड्रामेबाज। अब हाथ मत लगाओ भाई साहब, आपको हक नहीं है, आप दिल्ली पुलिस हो, आप ईडी हो, आप सीबीआई हो। एक तो मैं अनशन में हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं, ऊपर से आप मेरा हाथ लगा रहे हो, मेरे हाथ में वीकनेस है, आप देख लेना मेरा हाथ कितना कमजोर हो गया है। चुप हो जाओ आप कैमरामैन, मेरा हाथ वीक हो गया है। केजरीवाल बिना वारंट के जो है नहीं जाना दिल्ली का। मैं तो एक ही बात बोल रहा हूँ भाई साहब, सुनो, जिस तरीके से तुमने अन्ना हजारे की बद्दुआ ली, जिस तरीके से तुमने दिल्ली की जनता की बद्दुआ ली, और वो किंतन की आज इनको बद्दुआ लगी है जो स्वर्गों में है बेचारा, आज किंतन के परिवार की बद्दुआ लगी है। अब पता क्या चल रहा है जेल के अंदर, क्या चल रहा है बताओ? मसाज पार्लर चल रहा है क्या? चार चवन्नी तेल में अरविंद केजरीवाल भी जेल में, सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल की मालिश कर रहा है। हाँ। अरविंद केजरीवाल संजय सिंह की कर रहा है, संजय सिंह जो है सत्येंद्र जैन की कर रहा है। वही चाचा है, वही भतीजा है, तेल लेने गए हैं, वही भतीजा है, वही चाचा है, और चाचा कोई है नहीं। तेल कंगी और चटाई, तेल कंगी और चटाई, और दिल्ली पुलिस तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है, ईडी तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है, और केजरीवाल तेरे चक्कर में मैंने सब कुछ त्याग दिया है, सच्ची बता रहा हूं मैं। तीन दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया तीन दिन से, क्योंकि हमारा दिल्ली का बेटा, जिस दिन पता चला कि ईडी जो है ईडी के कब्जे में आ रहा है दिल्ली का बेटा, उस दिन से हमारे दीपक बेटे ने कुछ नहीं लिया भाई, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, तक भी नहीं पिया। लूंगा तो एक ही बंदे की लूंगा,
पता किसकी? केजरीवाल। आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त दिल्ली का दीपक काफी ज्यादा दुखी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी आत्मा रो रही है, मेरा दिल जानता मैं अंदर से कितना रो रहा हूँ। दीपक जी भूख हड़ताल पे, और जितने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है सड़कों पर उतर आए हैं दीपक जी, वो सड़कों पर रहने के लायक है। वो वहीं सोते हैं रात को, जैसे ही देखते हैं ईडी आ गई तुरंत कंबल से बाहर निकलते हैं और वो भी रोते हैं, कहते हैं बिछड़ा यार मिला दे। भाई साहब कल से गाने बज रहे हैं, अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, जी लेने दो, एक के साथ एक पी लेने दो, मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, सतेंद्र और मनीष को अकेले नहीं रहने देना है, आज पैमाने हटा दो यारो, ईडी सीबीआई बुला लो यारो। ये भाई साहब अन्ना हजारे की बद्दुआ है, दिल्ली की जनता की बद्दुआ है, अस्पताल में जिनके बच्चे एडमिट है उनकी बद्दुआ है। तो जिस तरीके से ये ड्रामे करता है ना, अरे हम कोई दिल्ली की सत्ता में बैठे हुए कोई संवैधानिक पद पे थोड़ी है भाई साहब, थोड़ा पास आ जाओ आप सर। सही बात है, हम कोई दिल्ली की सत्ता में बैठे हुए संवैधानिक पद पे थोड़ी है, मगर हम लोगों को सच्चाई बताना चाहते हैं आंखें खोल के कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली का मजाक बनाया हुआ था। क्यों? दिल्ली की जनता की कोई वैल्यू नहीं है क्या? ये जो मैं शुरू में कर रहा था ना, यही अरविंद केजरीवाल कर रहा था असल में। क्या ड्रामेबाजी, सही ड्रामेबाजी। इसका सबूत क्या है मालूम है? शीला दीक्षित ने एक बात बोली थी कि हाँ मेरे से गलती हुई है, अन्ना हजारे को इन्होंने फुद्दू बनाया, बिल्कुल बनाया, कपिल मिश्रा को बनाया, किरण बेदी जी को इन्होंने बनाया, इन्होंने हर जगह अपने रिश्तों को शर्मसार किया है, इसीलिए मुझे आज दिल से दुखी है। दीपक जी कुमार विश्वास रह गया? कुमार विश्वास तो भाई साहब विद्वान आदमी है, उनके गले में ना साक्षात सरस्वती माता विराजमान है। आज कुमार विश्वास भाई भी दुखी होंगे। कुमार विश्वास जी, जनता काफी दुखी है, दिल्ली की जनता कह रही है हमारा सीएम गिरफ्तार। 8 बजे के बाद भीड़ लग जाएगी भाई साहब, आम आदमी पार्टी वालों की। ठेके आते नित खड़के गलासी तेरे नादी के मुंडे आते नित खड़के गल। और आज 8 बजे के बाद सच बताऊं, जो लोग किलसे पड़े हैं झाड़ू के कार्यकर्ता, वो पता क्या गाने गाएंगे? तुलक तुलक तुन तुलक तुलक तुन तुलक तुलक तुन तारा टोल ना अरविंद केजरीवाल गया अरविंद। आतिशी खुश है, आतिशी पता क्यों खुश है भाई साहब? आतिशी का रास्ता साफ हो गया, आतिशी का रास्ता साफ हो गया, क्योंकि देखो भाई साहब उसका गुरु भी वैसे ही है, बिल्कुल, तो जैसा गुरु वैसा चेला, वैसा चेला। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है 2024 में। भाई साहब जरा एक बार पकड़ना, मैं अनशन में हूँ ना भाई साहब, यहाँ इसलिए अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। 2025 में जब इलेक्शन आएंगे विधानसभा के, तो मैं इस बात को यहीं विराम करूंगा, सोच समझ के वोट देना। आपका एक वोट जो है ना आपको प्रदूषित पानी पिलाएगा, पत्थर खिलाएगा और एक झूठा और मक्कार आदमी ना दे दे। अरे मैं कह रहा हूँ चाहे आप किसी को भी वोट दे दो, मगर अरविंद केजरीवाल को वोट मत देना भाई साहब। क्यों? नहीं तो आपको एक ऐसा ड्रामेबाज मुख्यमंत्री मिलेगा। अरे जेलेंस्की ने यूक्रेन खत्म करा दिया, पाकिस्तान वाले ने कॉमेडियन ने वो खत्म करा दिया, भगवंत मान पंजाब के पीछे पड़ा है, और दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने गुरु का सगा नहीं, और ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं।